अमाड़वाड़ा विधानसभा मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। मुकाबला तो वो तो हमारे विधायक ही साहब सही है, जो है तो वो अभी चल रहा है तो वो सही है, क्योंकि जब बीजेपी का विधायक रहेगा, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो फायदा हम लोगों को उसमें होगा ही ऑलरेडी। पिछले समय से बाकी जो थे उनके समय से भी कम परेशानी है, सारे काम अच्छे से कर रहे हैं नेता लोग। नमस्कार, मैं हूं शिखिल व्यवहार और हमारी खास पेशकश नेताजी के बही खाता में आपका स्वागत है। और अब मैं आ गया हूं महाकौशल क्षेत्र की छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा में, और यह विधानसभा बेहद खास है क्योंकि यहां के समीकरण ना सिर्फ कांग्रेस भी इसलिए क्योंकि छिंदवाड़ा जो है वो गढ़ कहा जाता है कमलनाथ का, लेकिन अमरवाड़ा जो है यहाँ दो पार्टियों में और कड़ी टक्कर दिखाई देती है। देखा जाए तो गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी यहां अपने प्रत्याशी को जिताने में सफल रही है, तो इस बार का चुनावी समीकरण भी जो है वो भी खासा गड़बड़ाया हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि जनता इस विषय में क्या कहेगी और क्या मुद्दे हैं, किस प्रकार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य हमको इस पूरी विधानसभा में देखने को मिलेंगे, और भी हमारे साथ कई लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? वैसे रहे लच्छी राम धुर्वे। धुर्वे जी, इस बार आपके तो यहाँ विधानसभा जो है वो आदिवासी बहुल्य विधानसभा है और तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं, कितने विकास से खुश नज़र आ रहे हैं आप? हमारे गांव में तो यार गैल नई सुधरी घाट की बहुत परेशानी। अच्छा, कौन से गाँव से हैं आप? चांदा दो, घोघरी चांदा दो। अच्छा, तो यहाँ विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुई। और क्या समस्याएं नजर आती हैं? अभी तो गैल रास्ते में विकास नहीं, तो बहुत सी चीज़ कमी है सर। बहुत सारी चीज़ों की कमी की बात यहां पर की है कि कई कमियां नज़र आती हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति यहां साथ में, उनसे चर्चा करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि जिस प्रकार से जो आपके विधायक का कार्यकाल रहा है उससे कितना आप लोग संतुष्ट रहे? अभी तक तो बढ़िया उनका भी कार्यकाल। क्या क्या काम हो गए आप लोगों के, जो आप लोगों की आशाएं थी? आशाएं वाले काम बहुत से हो भी गए, कुछ रह भी गए हैं अभी। जैसे रहने वाले कौन से काम होंगे? जैसे कभी बाकी माने जाए तो पीएम आवास भी अभी आधे रह गए हैं, तो वो भी हो जाएंगे। आपका क्या कहना है इस मामले में? पीएम आवास बारे भर रहेगा, बाकी सब काम हो गया है। सड़क की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें? हाँ, सड़क भी हो गई है, बिजली भी हो गई है, वाला काम भी चालू है, नल जल वाला भी योजना का। आपका क्या नाम है? रविंद्र विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा जी, आपको क्या लगता है इस बार का क्या होने वाला है, मुकाबला किस प्रकार से होगा? मुकाबला तो वो तो हमारे विधायक ही साहब सही है, जो है तो वो अभी चल रहा है तो वो सही है। आपके विधायक साहब कौन है, थोड़ा सा ये बताइए ना। राजा कमलेश शाह। अच्छा, राजा कमलेश शाह ने बिल्कुल एक नाम तो सही लिया क्योंकि राजा रजवाड़े से ये बिलोंग करते हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं कि आखिर जानते हैं कि क्या है आखिर उनके मन की बात। साहब, इस बार जो है काफ़ी लोग ने बताया और जो पिछले परिणाम भी आते हैं, त्रिकोणी मुकाबले की ये सीट है, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो यहाँ भाजपा का दबदबा थोड़ा सा पीछे, मगर इस बार भाजपा आने का कारण बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ माननीय विधायक महोदय शुरू से आज तक कांग्रेस में रहे हैं, अमरवाड़ा विधानसभा सीट में, नगर परिषद भी अमरवाड़ा विधानसभा में रही अध्यक्ष नगर परिषद के, तो यहाँ का क्या है, टोटल विकास के काम रुक गए हैं, यहाँ किसी प्रकार का विकास नहीं हो रहा। जिस तरह की बात लें, आवास का पैसा नहीं आ रहा है, आवास का पैसा नहीं आ रहा, रोड का पैसा नहीं आ रहा है, तो इससे क्या किसी चीज़ों में विकास पिछड़ गया है। तो यहाँ की पब्लिक ये चाह रही है कि नया चेहरा चाहिए, नई बदलाव चाहिए, जिससे यहाँ विकास की दरें आगे बढ़ें, विकास ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अमाड़वाड़ा विधानसभा मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ विकास इस कारण नहीं होता, मध्य प्रदेश शासन में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, यहाँ कांग्रेस बैठने के कारण यहाँ विकास की कोई राशि नहीं आती। यानी कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का प्रदेश में शासन और कांग्रेस का विधायक, तो पैसा कहाँ से आएगा? नहीं आएगा पैसा, स्वाभाविक सी बात है ना। योजनाएं सही तरीके से लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि जब बीजेपी का विधायक रहेगा, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो फायदा हम लोगों को उसमें होगा ही ऑलरेडी। पिछली बार भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई दिया, मात्र 10,000 वोट, क्योंकि 283,000 से तो ज्यादा के यहाँ के मतदाता हैं, काफी कम जो है जीत का प्रतिशत रहा है, क्या मानेंगे?
अब ये तो जनता तय करती है कि किसको कब कहाँ वोट देना है। अब ये थोड़ा सा आदिवासी क्षेत्र है, अब जब उनको समझ में आ गया जो उन्होंने कर दिया, लेकिन जो सक्षम वोट है, जो पढ़े लिखे बंदे हैं, वो हमेशा बीजेपी में ही जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा मानना है आपसे? एक और प्रश्न मैं ये करना चाहूँ, क्या आप बीजेपी से हैं क्या? नहीं, मैं किसी दल से नहीं हूँ। किसी दल से नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस बार जनता सोच रही है कि सारे चेहरे ना आए, और जो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं चल रही हैं वो योजनाओं का वो लाभांत है, जैसे लाडली बहन योजना है, किसान सम्मान निधि है, और अदर अदर योजनाएं अभी मुख्यमंत्री जी निकाल रहे हैं। यानी लाडली जो बहना योजना है उसका फायदा मिल रहा है? मिल रहा है, बीजेपी को मिलेगा, 100% मिलेगा। यहाँ बहुत सारी बात कही है, और आप आदिवासी हैं, किसान भी हैं, क्या नाम लिखता है? अजय सिंह। सिंह साहब, क्या स्थिति आपको लग रही है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी यहाँ खासा वर्चस्व है, कभी आपसे संपर्क वगैरह हुआ है और देखा है क्या आपने? नहीं, संपर्क तो नहीं हुआ है, लेकिन संपर्क रहते नहीं हम लोग। क्या है कि वहाँ की रोड बनवाना चाहते थे कमलेश शाह से, हमने बहुत बहुत बार बोले। किस क्षेत्र की बात करें? तेन्नी पंचायत की। ओके, फिर? जी, तो वहाँ पे रोड बनवाने के लिए बहुत प्रयास किए हमने, लेकिन प्रयास नहीं हो पाया, तो 3-4 बार बोल रही है हमने। आदिवासियों का मुद्दा लगातार उठता रहा है, आप भी एक आदिवासी हैं, जो आरोप लगता रहा है सियासत में कि आदिवासियों की स्थिति बड़ी खराब है, है क्या वास्तविकता? क्या थोड़ी शराबखोरी पे इसके कारण से थोड़ा आदिवासी पीछा हो जाता है। ओके, यानी कि गलती आदिवासी की, सरकार का सही काम? नहीं, सरकार का सही काम चल रहा है। यहाँ साफ तौर पर कहना है कि सरकार का सही काम है, गलती कुछ है, कुछ क्योंकि एक जनजातीय परिवेश कुछ ऐसे होते हैं कि उस कारण से माहौल बदल जाते हैं। साहब, आप क्या मानते हैं कि जिस प्रकार से आदिवासी बहुल सीट है, और सबसे ज़्यादा इस बार का तो चुनाव बल्कि यूँ कहें आदिवासियों पे ही है, क्या कहेंगे? हाँ, आदिवासियों पे चुनाव इस बार तो। इस विधानसभा में क्या आप स्थिति? पंचवर्षीय कमलेश शाह रहे हैं विधायक, मेरा मानना है कि वो भी इस बार शायद निकालें। कमलनाथ जी का सबसे बड़ा हाथ है इस विकास में, छिंदवाड़ा जिले में जो कमलनाथ ने जो काम करा है, तो मेरे हिसाब से तो कमलनाथ दम पे तो सीट निकलेगी। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि कांग्रेस का विधायक और बीजेपी की सरकार, तो फिर यहाँ पैसा नहीं आ पाता, लेकिन विकास की आप जो देख रहे हैं उसका श्रेय किसे दे रहे हैं? अब सीधे से स्वराज जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वे तो, है ना, मगर क्या है कमलनाथ जी का क्या है दबदबा है, और कमलनाथ जी ने बहुत काम किया है यहाँ पे, तो मेरा मानना है कि इस बार कमलनाथ जी आएगी। जो बीजेपी सरकार उसका विकास है, सवाल तो आपने सुनी लिया होगा, जवाब क्या है? जवाब एक, कार्यकुशलता के हिसाब से मतदान किया जाएगा। बाकी हमारे यहाँ जो राजा कमलेश प्रताप शाह हैं, तो उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, और लोगों की सुनते भी हैं, और लोगों का कार्य होता भी उनके यहाँ जाने से, इसलिए मत उन्हीं को दिया जाएगा। यहाँ का जो मतदाता है वो वोट किसे देता है? यानी यूँ देखा जाए तो गणतंत्र पार्टी का भी अगर हमने देखा हिसाब कि वो दूसरे नंबर पे रही, एक बार उनके विधायक भी 2003 में चुन लिए गए, तो आप कमलनाथ को देखकर वोट देते हैं या कुछ? यहाँ तो लोकल में कमलेश शाह को देख के वोट देते हैं, मेरे को नहीं लगता किसी और को देख के वोट देते हैं, क्योंकि कमलेश शाह ऐसे हैं, उनके पास जो कोई भी जाता है ना, तो उनका काम तो होता है। आधी रात को जाएंगे तो भी उनका काम होगा, आधी रात में काम होगा। युवा नज़र आ रहे हैं, और क्या लगता है आपको कि इस बार क्या होने वाला है? कुछ नहीं हो सकता, क्या बोल सकते हैं ऐसा? क्या बोलेंगे, वोट तो देते होंगे? वोट अभी तो नहीं दिए हमने, अभी तक नहीं दिए। अच्छा, इस बार पहली बार मतदाता है। ओके, करते क्या हैं? करते अभी यही दुकान पे काम करते हैं। यानी रोजगार से संतुष्ट? रोजगार से संतुष्ट ही सर। आप क्या नाम लिखता है? अनिमेश चौकसे। चौकसे जी, क्या करते हैं? मैं क्या कहते हैं यहाँ पे अपने चाचा जी के साथ काम करता। अच्छा, काम करता है। इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या है और कितना विकास हुआ है? विकास के काम तो हुए हैं, और क्या कहते हैं व्यक्ति परेशान भी कम है इस बार, पिछले समय से, बाकी जो थे उनके समय से भी कम परेशानी है। सारे काम अच्छे से कर रहे हैं नेता लोग, कोई चीज़ों की दिक्कत नहीं आती, यानी सरकारी कर्मचारी भी अच्छे से काम करते हैं। अगर विकास की मैं बातचीत करूं तो उसे लेकर क्या कहेंगे? विकास के कार्य भी हुए हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पे बटका जाने में होती थी, अभी वहाँ का काम भी चालू हो गया है। यानी अमरवाड़ा के विकास से संतुष्ट? संतुष्ट। भाई साहब, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्चस्व दिखाई देता है, तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर है, आखिर क्या लगता है आपको कि इस बार
क्यों इस प्रकार की, और बीते बार भी हम देखे तो वो काफी कम मतों से जीते आपके कांग्रेस प्रत्याशी। हाँ जी काफी कम मतों से जीते कांग्रेस के प्रत्याशी आपके। हाँ हाँ, क्या मानते हैं इस बार क्या होगा? अब इस बार अब जनता ही निर्णय लेगी, उसका क्या होगा यार। आप संतुष्ट? ठीक। तो यहाँ साफ तौर पर कह रहे हैं कि हाँ ठीक है स्थितियाँ, कुछ युवा वर्ग भी हमारे साथ में, उनसे भी यहाँ चर्चा करिए लेते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी वर्चस्व दिखाई देता है, तो बीजेपी और कांग्रेस में जो जीत का अंतर है बहुत ज़्यादा तो रहा नहीं। 2003 में भी यहाँ पर गणतंत्र जो आपके पार्टी के जो विधायक थे वो जीत गए, इस बार का क्या नज़रिया होगा? इस बार का नजरिया क्या देखना है, अपन किस आधार पर देखना है ये बताइए पहले मेरे को। विकास के आधार पर, आपके आधार पर? देखिए हमारे आधार पर तो अभी भी बीजेपी बेस्ट, हर चीज़ से ले लीजिए आप, चाहे सड़क, पानी, जल, दूसरी चीज़, अन्य सुविधाएं। अभी जैसे कई योजनाएं चल रही हैं, उस योजनाओं के अंतर्गत पे भी बीजेपी का काम की है। दूसरी चीज़ कांग्रेस के आधार पे अभी यदि देखेंगे तो कांग्रेस के आधार पे भी विकास हुआ है। जिस टाइम पे बट्टी जी थे उस टाइम पे भी विकास हुआ रहा, लेकिन बट्टी जी के जाने के बाद में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ी है गोंडवाना। फर्क बस इतना है, क्या है पार्टी बेस के हिसाब से भी यदि अगर अपन लेते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर है। गोंडवाना के हिसाब से यदि अपन ले तो उतना वर्चस्व वाला जो नेता पहले मनमोहन साहब बट्टी जी थे उसके आधार पर कोई नेता नहीं है इधर पे अभी। यानी कि जो 2003 में इतिहास और जो वोट कम करने का हमें 2013 में देखने को मिला था वो इस बार नहीं मिलेगा। इस बार नहीं मिलेगा। साहब ये कौन सा गांव है? बसरिया कला। कितने हैं यहाँ सभी लगभग आदिवासी? आदिवासी सभी हैं। और अगर यूँ देखा जाए कि जिस प्रकार से आप लोग भी कभी सुनते पढ़ते होंगे आदिवासियों को लेकर लगातार से आसत जो है वो की जा रही है, बयान दिए जाते हैं, क्या मानते हैं कितना बदला आदिवासी, क्या आदिवासी बदल भी रहे हैं, कितने सालों में बदले? अब कम क्या बताएं, अब बदला ही रहा है कम से कम। जी कम से कम। तो स्थितियों से संतुष्ट हैं आप? अभी तो है भी और नहीं है भी। क्यों नहीं है वही तो सवाल है कि आदिवासियों की आखिर ऐसी क्या आप लोगों में है जो नहीं हो पाया? अभी तो हो भी रहा है, अभी संतुष्ट भी हैं और नहीं भी है। दादा आप क्या कहेंगे कि आदिवासियों की जो समस्याएं हैं सालों से लेकर अब भी जस की तस हैं कि नहीं? अब कब आता है? अब ते नाले तम है ही नहीं है, कब आता है? तुम बताओ खाने पीने और योजनाओं का लाभ मिल रहा है? तो आदिवासियों के तौर पर। और जिस प्रकार से जो हम अपन इस विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें तो कितना संतुष्ट आप नज़र आते हैं सरकार से भी, और क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस के विधायक हैं उनसे भी? भाई ठीक है, कांग्रेस विधायक जो है जी ठीक ही चल रहा है। का बता दें अब इतना ले अपन कहाँ प्रक्रिया बता दें, अब सरकार के अंदर हम घुसे ही नहीं है, कौन सरकार कैसे चल रही, कौन सरकार कैसे चल रही अपन पता ही नहीं है, बाकी पढ़े ना लिखे हैं है ना, अपन दपड़ा आदमी या हो गया नॉलेज कैसे बता दें। साहब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है स्थिति आदिवासियों की अगर देखी जाए तो? हमारी आदिवासी में सब जो ही चल रहा है, बीजेपी की सरकार है ना। जी बीजेपी की बिल्कुल सरकार है। कुछ आप लोगों का जीवन रहन सहन बदला, कुछ उन्नति की आप लोगों ने? उन्नति तो कुछ नहीं जी, अब काम कर रहा है रोजगार गारंटी को। और सरकारी योजनाओं में ही काम करके कमा रहे हैं? हाँ जी। कोई जीवन शैली में बदलाव? नहीं कोई बदलाव नहीं है। आपके बच्चे वगैरह कुछ और ग्रो कर पाए, कुछ बढ़ पाए, या आप लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार हुआ? कुछ सुधार नहीं हो जी, यही है जो पुस्तक मुस्तक मिल रहे हैं लड़कों के बस। तो ये स्थिति जो है वो साफ तौर पर बयां करती है कि आज भी जो है खप्पर के जो आप देख रहे हैं ये खपड़े मकान यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिन पर अभी फ़िलहाल काई जमी हुई है, और स्थितियाँ जो हैं वो मूलभूत सुविधाओं से खासी दूर हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो ना तो सड़कें थीं, ना ही यहाँ पर हमें सरकारी आवासों के मकान दिखाई दिए, और आदिवासी जो हैं वो उन्हें उनका स्तर आप अभी देख सकते हैं कि जो कोसों दूर जंगलों के बीच में अपनी खेती कर रहे हैं उनका जीवन स्तर में सुधार की जो गुंजाइशों की बात की जाती थी वो गुंजाइश दूर दूर तक नज़र नहीं आती। और यही कारण है
कि अब आदिवासी भी इस बार ये बात यहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बदलाव की स्थिति कुछ बन सकती है। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि साथ जो है उसी का होगा जो आदिवासियों के उत्थान से संबंधित बात करेगा।